बादशाह विभिन्न धर्म प्रमुखों और विद्वानों से लंबे समय तक विचार विमर्श करते करते बहुत थक गए थे। कहानी है अकबर बीरबल की। विद्वानों के जाने के बाद उन्होंने बीरबल से कहा, हमारा सिर बहुत भारी हो गया है, हम इसे हल्का करना चाहते हैं। बीरबल कहते हैं, घुड़सवारी और शिकार करके आप हल्का महसूस करेंगे। वह तो है ही, अकबर का जवाब था, लेकिन इस बार क्यों ना मनोरंजन का कोई नया तरीका खोज लें। तुम्हें नहीं लगता कि शहंशाह होने के नाते हम केवल बुद्धिमान और समझदार लोगों से ही बातचीत करते हैं, क्यों ना अब कुछ बेवकूफ़ लोगों से मुलाकात की जाए। बीरबल, शहर में 6 बेवकूफ़ लोगों को ढूंढकर हमारे पास लाओ। हम बहुत दिन से खुलकर नहीं हंसे हैं। आगरा में 6 दिन में 6 बेवकूफ़ लोगों को ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हारे जैसे समझदार आदमी के लिए तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बीरबल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, नहीं आलमपनाह, बेवकूफ़ लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जल्दी ही बीरबल को महसूस हो गया कि वे गलत थे। जितने लोगों से उनकी मुलाकात हुई वे इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि उन्हें बादशाह के पास ले जाया जा सके। 5 दिन बीत गए थे और 6ठा दिन आ पहुंचा था। बीरबल अपने घर से निकले। बेवकूफ़ों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। अगर वक्त बीतते जाने के कारण बीरबल इतना परेशान ना होते तो इस बात पर उन्हें भी हंसी आती। बीरबल रास्ते के किनारे एक झाड़ी में खिले जंगली फूल को तोड़ने के लिए रुके। तभी उल्टे पांव दौड़ता हुआ एक आदमी उनसे टकराया। बीरबल को धक्का लगा और वे गिरते गिरते बचे। मुझे माफ़ करें हुजूर, मैंने आपको नहीं देखा। मैं एक मुअज्जिन हूँ, पास की मस्जिद में अजान देने का काम करता हूँ, उस आदमी ने कहा। लेकिन तुम दौड़ क्यों रहे हो, और वो भी उल्टे पांव? बीरबल ने पूछा। मैं अपनी आवाज़ के साथ दौड़ रहा हूँ हुजूर, मुअज्जिन ने झट से कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितनी दूर तक जाती है। बीरबल को बहुत प्रसन्नता हुई, उन्हें पहला बेवकूफ़ मिल गया था। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना उन्होंने कहा, इतने कर्तव्यनिष्ठ आदमी से मिलकर शहंशाह बहुत खुश होंगे, कल दरबार में आ जाना। और इस प्रकार से बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर चलते हैं तो उन्हें गधे पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उसने लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर से ऊपर उठाया हुआ था, बहुत ऊपर उठाया हुआ था सिर के। तुम्हारी बाहें थक जाएंगी, उस आदमी के पास आने पर बीरबल ने कहा, इस गट्ठर को गधे की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? सरकार, बेचारा गधा पहले ही मेरे बोझ तले जब दबा जा रहा है, मैं उसका भार और नहीं बढ़ा सकता, उस आदमी ने जवाब दिया। यह तो वाकई बहुत दयालुता की बात है, बीरबल ने कहा। उन्हें दूसरा बेवकूफ मिल गया था। कल दरबार में आ जाना, तुम्हारे जैसे नेक आदमी से मिलकर शहंशाह खुश हो जाएंगे। दोपहर का समय था और सूरज आग बरसा रहा था। बीरबल को कोई और बेवकूफ़ नहीं मिला। गर्मी और प्यास से बेहाल वे नज़दीक के खेत में बने हुए कुएं पर पहुंचे। वहां एक आदमी खुदाई कर रहा था। मिट्टी के ढेर से पता लगता था कि वह आदमी पूरा खेत खोदने में लगा हुआ था। कुएं के ठंडे पानी से प्यास बुझाने के बाद बीरबल उस आदमी के पास पहुंचे। लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो, बीरबल ने उससे कहा। जी हुजूर, पसीने से भीगे हुए आदमी ने जवाब दिया। 8 महीने पहले मैंने इस खेत में सोने की मोहरों की एक थैली दबाई थी, अब इतना खोजने पर भी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। तुमने थैली दबाने की जगह कोई निशान तो लगाया होगा, बीरबल ने कहा। तो वह कहता है, मैं बेवकूफ़ थोड़े हूँ, मैंने निशान लगाया था। उस दिन आसमान में हाथी की शक्ल का एक बड़ा काला सा बादल बना था, मैंने उसके नीचे अपना धन दबाया था। बादल तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मैं अपनी मोहरों का पता लगा कर ही रहूँगा, चाहे मुझे पूरा खेत क्यों ना खोदना पड़े। और वह फिर से खुदाई के काम में लग गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई, अब उसे तीसरा बेवकूफ़ आदमी मिल गया था। उस आदमी का कंधा थपथपाते हुए बीरबल ने कहा, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी को इनाम देकर हमारे शहंशाह को खुशी होगी, कल दरबार में आ जाना। बीरबल के घर लौटते लौटते रात हो गई थी। उन्हें शहर के बड़े बेवकूफ़ लोगों में से बस 3 ही मिले थे। शहंशाह ने 6 बेवकूफ़ों के लिए कहा था, इसलिए बीरबल काफ़ी परेशान थे। उजली चांदनी रात थी। बीरबल घर पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें एक आदमी दिखाई दिया।
जो एक खुली जगह पर झुककर कुछ देख रहा था। बीरबल रुक गए, बोले, तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हुजूर, मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तलाश में लगे उस आदमी ने जवाब दिया, वह मुझसे गिर गई थी। अपनी पीठ सीधी करते हुए वह बोला, वह वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे गिरी थी, नज़दीक के पीपल की ओर उसने इशारा किया और बताया। बीरबल को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे भले आदमी, अगर अंगूठी वहाँ गिरी थी तो तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? हुजूर, यहाँ रोशनी है, आदमी ने धीरज के साथ जवाब दिया, और वहाँ उजाला नहीं है। बिल्कुल सही, मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल ने कहा, तुम्हारे जैसे अकलमंद आदमी से मिलकर शहंशाह को खुशी होगी, और वो ऐसे लोगों को इनाम भी देते हैं। बीरबल आगे बढ़ गए, उस आदमी की हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बीरबल भी खुश थे, उन्हें एक और बेवकूफ़ जो मिल गया था। अगले दिन बीरबल ने सभी बेवकूफ़ों को शहंशाह के दरबार में पेश किया। बीरबल ने उन सबसे मुलाकात के किस्से सुनाए। अकबर ने चुपचाप सारी बातें सुनी और चारों को इनाम दे करके उनके घर भेज दिया। बीरबल की तरफ मुड़ते हुए अकबर की आंखों में एक चमक थी। तुमने ठीक कहा, अकबर का कहना था, ये लोग हमारे राज्य के सबसे कीमती बेवकूफ़ों में से हैं, लेकिन हमने तो तुम्हें 6 बेवकूफ़ ढूंढने के लिए भेजा था। जहाँ अपना मुझे 5वां बेवकूफ़ मान लीजिए, बहुत गंभीरता से बीरबल ने जवाब दिया। अकबर की भौहें तन गई, क्योंकि मैंने इस खोज में इतना समय और शक्ति लगा दी, बीरबल ने बात पूरी करते हुए कहा। अच्छा तो यह बात है, थोड़ी देर बाद अकबर ने कहा। बीरबल की तरफ ध्यान से देखते हुए उन्होंने पूछा, और 6ठा बेवकूफ़ वह कहाँ है? बीरबल ने सिर झुका दिया। दरबार में खामोशी छा गई। फिर अकबर के हंसने से बीरबल को जैसे बहुत राहत मिली। तुम्हारे बादशाह 6ठे बेवकूफ़ हैं, जो उन्होंने तुम्हें ऐसे काम पर भेजा है ना, अकबर ने कहा। सभी दरबारी बादशाह के साथ हंस रहे थे, इस बेवकूफ़ी ने हमें अच्छी तरह तरोताज़ा कर दिया है, मुस्कुराते हुए अकबर ने कहा। बीरबल, तुम्हारा शुक्रिया, और अब चलो चलो फिर से अपने काम में जुट जाते हैं।